सब्सक्राइब कीजिए दुर्गापुर पेट्स ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ओके हेलो गाइस, फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा बहुत सीरियस है, मैं भी थोड़ा सीरियस मूड में हूँ ये बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा मेरे पास केस आ रहा है ऐसा ना देखने का नहीं है। तो ये वीडियो का टॉपिक है स्ट्रीट डॉग्स को लेके। कोई मैंने तो बहुत ही ब्रीड डॉग्स का वीडियो बना दिया, ये होगा वो होगा, कैसे कन्विंस करना है पेरेंट्स को GSD या लैब या हस्की किसको रखना चाहिए, ये सब तो बहुत बना दिया। अब मैंने स्ट्रीट डॉग के बारे में स्पेसिफिकली कभी नहीं बनाया, पर ये मेरा असली मुद्दा था वीडियो बनाने का एक स्ट्रीट डॉग लेके। पहले ब्रीड डॉग में आया, उसके बाद मैं स्ट्रीट डॉग बनाना चाहता हूँ। तो ये वीडियो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करो लास्ट तक देखे, लास्ट तक। मैंने ना बहुत सारा ऐसा केस देखा है कि स्ट्रीट डॉग्स को तो पालना कोई नहीं चाहता, क्योंकि पहला जो बात है वो लोग गंदा है। अरे भाई गंदा क्यों नहीं होगा, वो लोग तो स्ट्रीट में रह रहे हैं ना। अब घर में रखेंगे तो कैसे गंदा होगा। अगर ब्रीड डॉग को भी आप रास्ता पे छोड़ देंगे तो गंदा तो होगा ही, अब घर में रखिए तो कब कैसे गंदा होगा, ये तो गया एक बार। मेरा ना एक FB अकाउंट था, मैंने उसे मेरा मर्जी से डीएक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि उसमें ना इतना सारा केसेस आता था स्ट्रीट डॉग्स को लेके, इतना अत्याचार हो रहा है उन लोग के ऊपर, मेरे से देखा नहीं जाता था, इसलिए मेरे को एकदम अच्छा भी नहीं लगता था वो सब चीज़, इसलिए मैंने डीएक्टिवेट कर दिया एक कारण के लिए। तो मैं अभी तो सब नहीं चलाता, क्योंकि उसमें बहुत ही केसेस आता है। जैसे एक आया था पंजाब से केस, एक स्ट्रीट डॉग को मतलब वीडियो बना रहा है, स्ट्रीट डॉग मतलब पूछ ना रहा है उस इंसान को देख के कि इंसान बोल रहा है इसका वीडियो बना इसके ऊपर, मैं सोचा कुछ अच्छा ही होगा, पर रिएक्शन जो था एंग्री था, मैं तब भी समझ आ गया था कुछ ना कुछ तो है। करते करते उस स्ट्रीट डॉग को पकड़ने के, मैं सोचा अच्छा ही कुछ होगा, हाथ देगा उसके ऊपर, क्या किया पैर को पकड़ के घुमाने शुरू कर दिया फिर फेंक दिया। ये कोई चीज हुआ, ह्यूमैनिटी से ये सब एक्सपेक्ट किया जाता है। अरे बहुत सारे ऐसे केसेस है ना, स्ट्रीट डॉग को तो मतलब चाइना में तो खाया जाता है, ये कैसा चीज है। और तो स्ट्रीट डॉग को मारना तो कॉमन बात है, जिसको भी देखा नहीं जाता मार देता है उसको, गला काट के फेंक देता है, ये कैसा ह्यूमैनिटी है। वो लोग भी बचने के लिए आया है, क्यों मार देगा हम लोग। मैं भी एक वीडियो में मेंशन किया था मेरा बुलेट का जो हुआ था, मतलब क्या है एक फोर व्हीलर के रास्ता से जा रहा है इतना स्पीड से, क्या कोई हाईवे है GT रोड है जो इतना स्पीड से जाएगा, जो बुलेट को मार दिया, मार के थोड़ा भर रुका भी नहीं, हॉस्पिटल में लेके गया, मतलब चला ही गया एकदम, हाईवे मिला उसे क्या रास्ता को। ये सब चीज तो नहीं करना चाहिए, एक स्ट्रीट डॉग है इसका मतलब पूरा फेंक देंगे आप लोग उस लोग को। अरे हर्ट मत कीजिए, छोड़ दीजिए उन लोग को, उन लोग के जैसा आपको नहीं पालना है घर में मत पालिए, पर छोड़ दीजिए ऐसा कुछ मत कीजिए। आप लोग के पास बचा कुचा कुछ खाना होगा तो उन लोग को दे दीजिए, कुछ भी, अगर हड्डी बचा होगा तब भी दे दीजिए, अगर मछली बचा होगा थोड़ा तब भी दे दीजिए, कुछ भी खा लेगा वो लोग, अगर रोटी है वो भी दे दीजिए खा लेगा, बिस्किट तो भाई इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, रोटी भी कितना, दिन में 3 दीजिए कितना होगा, कितना आपका उसके पीछे खर्चा होगा आप बोलिए। तो इतना देने में तो अगर अर्जी हो तो मैं और क्या बोलूं इसमें। और बहुत कोई लोग तो ऐसे उल्टा सीधा काम करते रहता है डॉग्स लोग के ऊपर, क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग है, ब्रीड डॉग के ऊपर कोई करेगा, खरीदेगा, खरीद के ब्रीडिंग करवाएगा, फिर बच्चा लोग को बेच देगा, पैसा होगा ना, क्यों करेगा ऐसा। तो स्ट्रीट डॉग तो एकदम वैल्यूलेस है, यूजलेस है, कुछ काम का नहीं है, इसलिए उन लोग को खाया जाए, उन लोग को मारा जाए, उन लोग को पीटा जाए, कुछ भी किया जाए, कुछ नहीं होगा, फर्क ही नहीं पड़ता, कैसे फर्क पड़ेगा, वो लोग स्ट्रीट में रहता है, दे हैव नो वैल्यू इन टू स्टे इन दिस वर्ल्ड, ये तो कॉमन सी बात है। पर मैं ऐसा नहीं मानता, मैं मानता हूं ये हम लोग का इंडिया में जन्म लिया है, तो पहले तो हम लोग को इनको अच्छा रखना चाहिए, उसके बाद ब्रीड डॉग ना। अब एक स्ट्रीट डॉग पाली एक ब्रीड डॉग पाली, अच्छा नहीं होगा, आप बोलिए, क्या उन दोनों लोग एक साथ नहीं रह सकता, आप ही ट्राई करके देखिए, मेरे पास खुद है। तो मेरा वीडियो को बनाना तो यही तो मकसद था, आपको एक मैसेज दे सकूं, आपको अवेयर कर सकूं स्ट्रीट डॉग के लिए, इस लॉकडाउन के टाइम में स्पेशली उन लोग को खाना नहीं मिल रहा अच्छा से, प्लीज थोड़ा कुछ दे दीजिए, प्लीज कुछ भी दे दीजिए, पर दीजिए उन लोग को, बचना तो है ना। ऐसा भी मैंने देखा हो एक केस में कि मतलब वो जो इंसान के मतलब घर के सामने बच्चा दिया है ना, तो बहुत सारा डॉग है, मतलब 3-4 तो है, तो एक आदमी मतलब डॉग लवर है तो वो आके खाना देता है,
वो घर मतलब जिसके सामने जिस घर के सामने रहता है ना उस घर का जो मालिक है उस वो नहीं देता, पर एक डॉग लवर आके दे रहा था। उस मालिक का उसमें भी अर्जी था। मालिक बोला पुलिस को फोन करो, पर मैं यहाँ पे खाना नहीं देने दूंगा, अगर देना है तो अपने घर ले जाओ। ये कैसा बात हुआ, आपके घर के सामने दे रहा है, आपका डॉग है, आपका रास्ता है, मतलब कुछ भी चल रहा है इस दुनिया पे। एक स्ट्रीट डॉग के लिए बहुत किसी को प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हैं आप लोग को, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये एक रिक्वेस्ट है आप लोग के पास मेरा, कोई गुस्सा नहीं कुछ नहीं, एक रिक्वेस्ट, प्लीज उन लोग को फेक मत दीजिए, उन लोग को थोड़ा अच्छा से ट्रेनिंग दीजिए, वो लोग ही ब्रीड डॉग जैसा हो जाएगा। पर ट्रेनिंग चाहिए थोड़ा, उन लोग को जो सबसे ज्यादा लगता है ना प्यार, प्यार दीजिए उन लोग को, अच्छा से पाल पोस कर बड़ा कीजिए। ब्रीड डॉग को भी छोड़ के चला जाएगा, उसका तेज देखना। तो ये एक आप लोग के पास रिक्वेस्ट है, होप करता हूँ कि कोई स्ट्रीट डॉग को नहीं फेंक देगा ऐसे। आप अगर पूरा दुनिया में ना एक आदमी मतलब एक घर में एक एक करके स्ट्रीट डॉग रखे ना, उन लोग का बहुत ही मतलब उसका स्पीसीज बच जाएगा, उन लोग को उतना हर्ट नहीं होगा। आप ही सोचिए, मेरा जो बुलेट है ना 3 महीने का है, 3 महीने में एक कार जिसका वेट होगा 50 to 60 किलो, सॉरी गलत बोला, वो तो मतलब 200 से 300 किलो हो जाएगा, मेरा मुंह से निकल गया था, अभी मेरा मूड भी ठीक नहीं है। तो अगर सोचिए 3 महीने का बच्चा के ऊपर उतना वेट का एक कार चला जाएगा उसका सिर के ऊपर से, कैसा लगेगा आप खुद ही सोचिए ना। आपके ऊपर से जाएगा तो क्या होगा, वो तो एक बच्चा है, क्या होगा उसका पूरा जो सिर का हड्डी है ना टूट गया था, टूट के पूरा रास्ता पे एकदम चिपक गया था उसका मुंह। सोचिए वो दृश्य कैसा होगा, मैंने खुद देखा, खुद देख के ना मैं उसके सामने और नहीं गया, मेरे पापा जाके फेंक के आए, फेंक के मतलब एक मिट्टी के नीचे दबा के आए, मैं नहीं गया उसके सामने, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम। जिसको इतना छोटा सा पाल पोस कर बड़ा किया, मतलब कुछ भी किया, वो जब डेथ हुआ था ना 6 बजे के आसपास, तो उस टाइम पे मैं उसे हर दिन छोड़ता था रास्ता पे, थोड़ा पॉटी सुसु या खेल के आता था। उसका मम्मी भी है, मम्मी बाहर रहती है, मम्मी घर के अंदर उतना नहीं आती, तो उस टाइम पे हर दिन छोड़ता था। पिछला दिन भी मैं छोड़ा था, पर उस दिन ही देखिए, उसका उस दिन के बाद ही जनता कर्फ्यू था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। अब सोचिए उस दिन अगर उसका डेथ नहीं होता तो अभी होता नहीं होता, मतलब देखिए कैसा है ये दुनिया, कैसा हो गया। उसका फोर व्हीलर ऐसे चलाया ना, पूरा रश कर दिया, लगता है हाईवे है, जीटी रोड है, कुछ भी, पर क्योंकि स्ट्रीट डॉग है, वैल्यूलेस है, क्या काम आएगा, मरने दो क्या है, ये उन लोग का थिंकिंग है। क्यों, और एक आदमी आया बोला ये जो मार के गया ना बुलेट को, हम लोग के घर के सामने रहता है, बहुत अमीर है, कुछ बोलूंगा तो उसके पास बहुत पैसा है, कुछ भी कर देगा। अरे भाई पैसा है, तुमने इस दुनिया में लाया है वो बुलेट को, उस स्ट्रीट डॉग को तुमने लाया है, जो तुम्हारा हक है उसे मरने का, पैसा है तो कुछ भी कर लेगा क्या। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, उन लोग को कुछ मत कीजिए, उन लोग को हर्ट मत कीजिए, कुछ भी बचा कुचा खाना है ना दे दीजिए, कुछ भी। मैं अब नहीं बोल रहा उन लोग को चिकन देना होगा, मटन देना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे ब्रीड डॉग को देना है ना चिकन, एग, मटन, उन लोग को ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ भी दे दीजिए, पर प्लीज दीजिए। मैं इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो नहीं करने बोलूंगा, क्योंकि मेरा ही मूड नहीं ठीक है ये सब मतलब चिंता करके। इस लॉकडाउन में उन लोग का क्या होगा, लॉकडाउन और भी एक्सटेंड कर दिया है, अब क्या होगा। इसलिए ये एक रिक्वेस्ट था आप लोग के पास, प्लीज उन लोग को कुछ खाना कुछ दे दीजिए, एक शेल्टर दे दीजिए। जब ये तो रेनी सीजन आने वाला है, प्लीज उन लोग को उस टाइम पे बारिश के टाइम पे घर में रखिए, प्लीज। आप अगर ऐसे टाइम पे नहीं रखना चाहते, अपने का घर का अंदर भी नहीं रखना होगा, थोड़ा बाउंड्री पे रख दीजिए ना किसी सेट पे, वो लोग रह जाएगा। तो ऑब्वियसली जो डॉग लवर है ये वीडियो तो अच्छा लगेगा ही, जो डॉग हेटर है ऑब्वियसली डिसलाइक मारेगा, पर इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि थोड़ा स्ट्रीट डॉग के बारे में थोड़ा ये सब बोल दूं कि तो अवेयर हो जाए लोग। आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।